समूह रिस्पॉन्स विधि में छात्र एक समूह के रूप में शिक्षक के सवालों का जवाब देते हैं। इसे नैतिक रिस्पॉन्स के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षक समझाना शुरू करती है कि वे दो संकेतों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला संकेत रोकना है, इसका मतलब है प्रतीक्षा करें और अपने जवाब को सोचें। अगला संकेत उत्तर, इसका अर्थ है आपको उत्तर अब कहना है। ये संकेत दिखाए भी जा सकते हैं, जैसे हाथ के इशारे या आवाज, एक शब्द या ध्वनि की तरह। शिक्षक एक सवाल पूछता है और कुछ सेकंड के लिए संकेत रोक देते हैं। तब शिक्षक उत्तर के रूप में संकेत देता है और सभी छात्र एक साथ उनके जवाब कहते हैं। इस तरीके का उपयोग वास्तविक प्रश्नों के साथ किया जाता है, जिनका जवाब एक से तीन शब्दों के साथ किया जा सकता है। यदि कुछ छात्र गलत जवाब देते हैं तो शिक्षक को वह जानकारी फिर से पढ़नी जरूरी है। रुको और उत्तर, इन दो संकेतों का उपयोग करना छात्रों को सोचने का वक्त देता है और समूह के रूप में जवाब देना सिखाता है।